चैप्टर 8 स्टैंडर्ड 7 नेम विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट एक्टिविटी नंबर 2। टू शो दैट एयर प्रेशर रिड्यूस व्हेन विंड ब्लो एट हाई स्पीड, मींस जब विंड ब्लो करेगा हाई स्पीड पे तब एयर का प्रेशर जो होता है वो रिड्यूस होता है, वो हमको बताना है। तो कैसे होता है, तो उसके लिए एक प्रोसीजर करनी है, मीन्स एक एक्टिविटी करनी है। तो सबसे पहले क्या करो, फर्स्ट क्रश अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर इनटू अ बॉल ऑफ साइज स्मॉलर देन द माउथ ऑफ एम्प्टी बॉटल, मीन्स क्रश करो स्मॉल पीस ऑफ पेपर को, उसको किस में रखो, बॉल में रखो, और उसकी साइज स्मॉल किससे स्मॉल होनी चाहिए, माउथ। ओके, सेकंड होल्ड द एम्प्टी बॉटल ऑन इट्स साइड, मीन्स जो माउथ से स्मॉल वाली जो एम्प्टी बॉटल थी उसको उसकी साइड पे होल्ड करो, एंड प्लेस द पेपर बॉल इनसाइड द माउथ ऑफ द बॉटल। थर्ड नाउ ट्राई टू ब्लो ऑन द बॉल टू फोर्स इट इनटू बॉटल। फोर्थ रिपीट दिस एक्टिविटी विद द बॉटल्स ऑफ डिफरेंट साइज। देखो यहाँ पे हमको आपको दिखेगा ये प्रोसीजर थी, अब ऑब्जर्वेशन से पता चल जाएगा कि हमने किया क्या। ऑब्जर्वेशन, इट बिकम डिफिकल्ट टू फोर्स द पेपर बॉल इनटू द बॉटल। कंक्लूजन द कंक्लूजन क्या हुआ, क्या फाइंड किया, क्या किया, वो सब कंक्लूजन में आता है। कंक्लूजन द पेपर बॉल डज नॉट गो इनसाइड द बॉटल, मीन्स आप फूंक लगाओगे माउथ से पेपर को अंदर रख के फूंक लगाओगे तो पेपर अंदर नहीं जाएगा। दिस इज बिकॉज क्यू द एयर नियर माउथ ऑफ द बॉटल हैज हाई स्पीड, मीन्स माउथ के अंदर जो एयर जो माउथ में से जाएगी वो हाई स्पीड से, विच डिक्रीज द प्रेशर क्यू, विच डिक्रीज द प्रेशर, मीन्स आप फास्ट प्रेशर लगाओगे तो जो अंदर जो पेपर जो क्रश किया हुआ है वो अंदर जाएगा नहीं, बट द प्रेशर। ओके, फिर से एक बार कंक्लूजन, द पेपर बॉल डज नॉट गो इनसाइड द बॉटल, मीन्स पेपर बॉल जो है जो हमने बनाया हुआ है वो अंदर बॉटल के अंदर जाएगा नहीं, क्यों, ऐसा क्यों हुआ। दिस इज बिकॉज द एयर नियर द माउथ ऑफ द बॉटल इज हाई स्पीड विच डिक्रीज द प्रेशर देयर, बट द प्रेशर इनसाइड द बॉटल इज हायर, क्या प्रेशर बॉटल के अंदर जो द प्रेशर इनसाइड द बॉटल इज हायर, क्योंकि अंदर वाली जो प्रेशर है एयर की वो हाई है। द हाई प्रेशर इनसाइड द बॉटल पुश द पेपर बॉल आउट द बॉल बॉटल, अब क्या करेगा, अंदर अगर प्रेशर ज्यादा बढ़ जाएगा तो वो पेपर बॉल को बाहर भेज देगा। दिस एक्टिविटी कंफर्म दैट इंक्रीज विंड स्पीड इज एकम्प्लिश्ड बाय रिड्यूस एयर प्रेशर। ओके, अब नीचे एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी का नाम है टू शो दैट हाई स्पीड विंड रिड्यूस एयर प्रेशर। अगेन वही वाली भी एक्टिविटी फिर से, कि अगर स्पीड हाई स्पीड का जो विंड है वो क्या करेगा तो एयर के प्रेशर को रिड्यूस करेगा। तो इसके लिए एक प्रोसीजर की हुई है, देखो ये इजीली समझ में आ जाएगा। टेक टू बलून ऑफ सेम साइज पुट सम वाटर इनटू देम, मींस दो बलून लेने हैं हमको, दो बलून को क्या करो दोनों के अंदर सेम साइज के लो और दोनों में थोड़ा थोड़ा पानी भर दो। सेकंड नाउ इन्फ्लेट द बलून्स एंड टाई अ स्ट्रिंग टू ईच वन ऑफ देम, मीन्स एक ऊपर डोरी रखी हुई है, देखो डोरी मीन्स एक स्ट्रिंग रखा हुआ है, वो स्ट्रिंग से दोनों बलून्स को, यहाँ पे क्या है दोनों बलून को एक स्ट्रिंग से होल्ड किया हुआ है। हैंग द बलून ऑन टू द एंड्स ऑफ स्टिक्स, मीन्स एंड्स ऑफ स्टिक्स पे बलून्स को हैंग करो। नाउ ब्लो इन द स्पेस बिटवीन द बलून, मीन्स दोनों के बीच में जो स्पेस है उसके बारे में बात हो रही है। तो अभी ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन देखते हैं इस एक्टिविटी का। तो ऑब्जर्वेशन, ऑन ब्लोइंग द स्पेस बिटवीन द बलून्स दे मूव टावर्ड इच अदर, क्या ऑन ब्लोइंग इन द स्पेस बिटवीन बलून दे मूव टावर्ड इच अदर, क्या कर रहे हैं दोनों एक दूसरे की तरफ मुड़ रहे, एक दूसरे की तरफ जा रहे। ऑन ब्लोइंग इन द स्पेस बिटवीन द बलून्स दे मूव टावर्ड इच अदर, एक दूसरे के पास में जा रहे। कंक्लूजन से क्या पता चला, द बलून्स कम क्लोजर बिकॉज ब्लोइंग एयर रिड्यूस, दोनों के बीच में अगर एयर रिड्यूस हो रही है, ब्लो कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि दोनों के बीच में एयर रिड्यूस हो रही है, दोनों के बीच में एयर रिड्यूस हो रही है तो एयर प्रेशर रिड्यूस होगा, एयर प्रेशर रिड्यूस होगा तो दोनों बलून्स जो है वो एक दूसरे से क्लोजर आएंगे। द एयर प्रेशर ऑन द आउटर साइड्स ऑफ द बलून्स इज हायर
एंड पुशेस द टू बलून्स क्लोजर टू ईच अदर. द एयर प्रेशर ऑन आउटर साइड ऑफ बलून्स इज हायर. क्या होगा, आउटर साइड जो बलून्स के जो है वो प्रेशर क्या होगा, हाई होगा. एंड पुशेस द टू बलून्स क्लोजर टू ईच अदर. इससे क्या होगा, अगर दोनों के बीच में जो प्रेशर जो है वो हाई बन रहा है तो क्या होगा, दोनों बलून्स एक दूसरे के क्लोजर आएंगे. ये है एक्टिविटी नंबर थ्री. अगेन दो बलून्स है, दो बलून्स के अंदर थोड़ा सा पानी भरा हुआ है, दोनों पानी जो भरा हुआ है ऊपर एक स्ट्रिंग रखी हुई है, वो स्ट्रिंग रखी हुई है तो स्ट्रिंग से क्या होगा कि पहले दोनों के बीच में एयर थी तो दोनों बलून्स एक दूसरे से सेपरेट मीन्स एक दूसरे से दूर जा रहे थे. अब क्या होगा कि जैसे जैसे दोनों के बीच में से एयर ब्लो मीन्स एयर को अगर आप दूर करोगे, एयर को दोनों के बीच में से रिमूव करोगे तो क्या होगा कि एयर का जो प्रेशर जो बन रहा था दोनों बलून्स के बीच में वो एयर का प्रेशर कम होगा. एयर का प्रेशर कम होगा इसलिए क्या होगा कि दोनों जो बलून्स है वो एक दूसरे से पास में आएंगे और एक एक दूसरे के बीच में जो स्पेस थी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो इससे क्या पता चलता है, इससे यही पता चलता है टू शो द हाई स्पीड विंड रिड्यूस एयर मीन्स दोनों के बीच में हमने क्या किया, ब्लो, दोनों के बीच में ब्लो किया. ब्लो मीन्स प्रेशर दिया, प्रेशर हाई प्रेशर, हाई प्रेशर तो दोनों के बीच में से जो एयर जो जा रही थी वो एयर दूर हो गई और दोनों बलून्स एक दूसरे के पास में आए. तो इससे क्या पता चलता है कि हाई स्पीड विंड, आप किसी भी चीज़ में हाई स्पीड विंड ब्लो करोगे तो दोनों के बीच में जो एयर का जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. ये है एक्टिविटी नंबर थ्री.